सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल को अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण वायसराय के समयकाल में हुई घटनाओं की बात करेंगे। जिन वायसराय के समयकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं घटी, उनकी स्टडी करके हम कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड वायसराय के समयकाल की घटनाओं के बारे में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, लास्ट में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें इंक्लूड करे हैं। क्वेश्चन आंसर टेस्ट आपको 2 से 3 बार लगाना है, जिससे कि ये टॉपिक आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है वो क्रेजी जीके ट्रिक के फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे कि 1857 के विद्रोह के बाद से वायसराय की पदवी की शुरुआत हुई थी, मतलब भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय के नाम से जाने जाने लगा था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के बाद से 1950 के बीच में भारत के कई वायसराय बने थे, जिसमें सबसे पहले जो आते हैं वो कौन आते हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए लॉर्ड कैनिंग से हम स्टार्ट करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का समयकाल डिस्कस करते हैं तो 1856 से लेकर 1862 तक इनका समयकाल रहा। लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था और कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था। ओके, तो पहला वायसराय ध्यान रखिएगा कौन था भारत का, लॉर्ड कैनिंग था। इसके समयकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था इसने, भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना करी थी, व्यपगत का सिद्धांत जो कि मैंने आपको बताया था पार्ट वन में कि डलहौजी ने इसकी शुरुआत करी थी, राज्य विलय नीति, ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स मतलब व्यपगत का सिद्धांत जो था इसको समाप्त किसने करा था, लॉर्ड कैनिंग ने ही करा था। लॉर्ड कैनिंग के समयकाल में ही इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए, ये हमने लॉर्ड कैनिंग का समयकाल डिस्कस करा, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएं आपको दिमाग में रखना है, 1857 का विद्रोह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण देखिए वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का समयकाल चला था 1869 से लेकर 1872। देखिए, इनके समयकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हुई थी, इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा कहाँ पर करी थी, अजमेर में करी थी। इन्हीं के समयकाल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समयकाल से हुई थी, ठीक है, पर नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो आगे हम पढ़ेंगे, लॉर्ड रिपन के समयकाल से हुई थी, ठीक है। तो दोनों चीजें हमको क्लियर रखना है। आगे देखिए, 1872 ईस्वी में ही अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसे वायसराय हैं जिनकी मृत्यु उन्हीं के शासनकाल में हुई थी। ओके, इसके बाद देखिए जो प्रसिद्ध वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे, लॉर्ड लिटन हुए थे। लॉर्ड लिटन के समयकाल में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था, इसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देखिए, ये प्रेस एक्ट क्या था मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति जब्त कर सकेगी, ऐसा इस एक्ट में लिखा गया था। तो बहुत ही खतरनाक एक्ट था ये, समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था लॉर्ड लिटन के समयकाल में। इसके बाद देखिए, अगले जो वायसराय हुए थे भारत में वो कौन हुए थे, लॉर्ड रिपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1880 से लेकर 1884 तक इनका समयकाल चला। एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता की ओर भारत की पहली किरण जो दिखाई देती है वो इन्हीं के समयकाल से दिखाई देती है। इतिहास में लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है, लॉर्ड रिपन को ही दी गई है। इनके समयकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया था उसे इन्होंने रद्द कर दिया था। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने करी थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत इन्हीं के समयकाल से हुई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समयकाल से हुई और नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समयकाल से हुई। तब से लेकर आज तक हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के समयकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ था और साथ ही प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल भी इन्हीं के समयकाल में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल क्या था, देखिए इसके तहत भारतीयों को यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला था, इल्बर्ट बिल के तहत, ठीक है। तो ये लॉर्ड रिपन के समयकाल की हमने प्रमुख घटनाएं डिस्कस करी, जिसमें आपको दिमाग में रखना है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इन्होंने करी थी,
नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समयकाल से हुई। इल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन के समयकाल से ही संबंधित हैं। लॉर्ड रिपन के समयकाल के बाद अगले वायसराय कौन बने थे भारत में? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का जो समयकाल चला था 1884 से लेकर 1888 तक। इन्हीं के समयकाल में 1885 में बम्बई में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1885 में हुई थी, डफरिन के समयकाल में, लॉर्ड डफरिन के समयकाल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद जो अगले वायसराय हुए थे इंपॉर्टेंट, वो कौन हुए थे? लॉर्ड कर्जन। इनके समयकाल की देखिए प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो बंगाल का विभाजन, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करी थी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम इन्होंने पारित किया था, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना इन्होंने अपने समयकाल में की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका समयकाल भी, और हर पॉइंट जो मैंने आपको बताया इससे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था इन्होंने, ये वाला एसएससी में देखिए 2 से 3 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की इन्होंने स्थापना करी थी लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया था। तो बंगाल का विभाजन फिर रद्द किसने करा था, वो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखिए जो अगले वायसराय बने थे इम्पोर्टेंट, वो कौन बने थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग का समयकाल जो था वो 1910 से लेकर 1916 तक था। इन्होंने वायसराय का पद संभालते ही बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। भारत की राजधानी इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी थी, और ध्यान रखिएगा इन्हीं के समयकाल में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के समयकाल में हुई थी, लॉर्ड हार्डिंग के समयकाल में ही। ओके, लॉर्ड हार्डिंग के बाद देखिए अगले जो भारत के वायसराय बने वो कौन बने थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समयकाल इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1916 से लेकर 1921 तक इनका समयकाल चला, जिसमें इनके समयकाल की प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना घटी थी वो इन्हीं के समयकाल में घटी थी। रोलेक्ट एक्ट जो अंग्रेजों ने पारित किया था वो इन्हीं के समयकाल में पारित किया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की गई थी, जहां पर जनरल डायर ने गोलियों की बौछार कर दी थी और कई भारतीयों को मार गिराया था। ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समयकाल की घटना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायसराय चेम्सफोर्ड। इसी के साथ इन्हीं के समयकाल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू किया था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड का हमने समयकाल अच्छे से डिस्कस करा। इसके बाद देखिए भारत के अगले वायसराय कौन बने? लॉर्ड रीडिंग बने, जिनका समयकाल चला 1921 से लेकर 1926 तक। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने आधुनिक भारत का मेरा वीडियो देखा होगा तो बड़ी आसानी से आप ये सारी घटनाओं के साथ इन वायसराय के नाम को याद रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको स्टोरी वाइज पूरा उसमें बताया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, तो आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे लॉर्ड रीडिंग का समयकाल। इनके समयकाल की देखिए प्रमुख घटनाओं की बात करते हैं तो चोरी चोरा कांड, जिसके बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, काकोरी रेल कांड, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड रीडिंग के समयकाल से ही हुई थी। तो ये प्रमुख घटनाएं घटी थी। ओके, इसके बाद देखिए अगले जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड इरविन। इनके समयकाल की देखिए मैं आपको 3 प्रमुख घटनाएं बताऊंगा, आपको तीनों दिमाग में रखना है। पहला चीज तो देखिए साइमन कमीशन इनके समयकाल में भारत में आया था, जिसका भारतीयों ने काफी ज्यादा विरोध किया था। विरोध करते हुए लाल लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। तो ये साइमन कमीशन भारत में आया था लॉर्ड इरविन के समयकाल में। सेकेंड चीज, संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समयकाल में आयोजित हुआ था। और तीसरा इम्पोर्टेंट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो भी लॉर्ड इरविन के समयकाल में ही शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताए हैं लॉर्ड इरविन के समयकाल की घटनाएं। लॉर्ड इरविन के बाद देखिए अगले जो वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे? लॉर्ड वेलिंगटन। देखिए इनके समयकाल की आपको सिर्फ एक ही घटना दिमाग में रखना है, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 इन्हीं के समयकाल में पारित हुआ था। ये अधिनियम क्या था देखिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 सूचियों को शामिल किया गया था। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत बर्मा, मतलब जो वर्तमान में म्यांमार है, उसको भारत से अलग कर दिया गया था। अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये था भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, शॉर्ट में हमने इसको समझा। तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था वो किसके समयकाल में हुआ था? वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन के समयकाल में। ओके, लॉर्ड वेलिंगटन के बाद देखिए अगले जो वायसराय हुए भारत में वो कौन हुए? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो का समयकाल चला था 1936 से लेकर 1943 तक।
इस समय काल में देखिए कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और पहली बार भारत में आम चुनाव आयोजित हुए थे। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में ही हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय काल में हुआ था, और देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में हुआ था। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का समय काल हमने डिस्कस करा। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट जो वायसराय हुए थे वो कौन हुए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि इन्हीं के समय काल में भारत को आजादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को क्या कर दिया गया था, फिर समाप्त कर दिया गया था और फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था। और इस तरह स्वतंत्रता के बाद ध्यान रखिएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का अगला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, राजगोपालाचारी थे। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में आपसे, स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे, राजगोपालाचारी। अगर भारतीय पूछे तो वो राजगोपालाचारी, और अगर आपसे भारतीय ना पूछे, सिंपल सा पूछ ले कि भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन आप स्पेशली दूर करिएगा। आगे चलकर संविधान की स्थापना के साथ में फिर गवर्नर जनरल और वायसराय जैसी पदवी को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ओके, राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल हुए थे। तो ये दोस्तों हमने अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं, थ्योरी सेक्शन हमने डिस्कस कराए। चलिए मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ और ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूँ। देखिए लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लॉरेंस और लॉर्ड लेंसडाउन, ये जो तीन वायसराय हैं इनके समय काल की जो घटना है ये हमको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी, तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए नाम क्या है, लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग करना मतलब रीडिंग करना, रीडिंग करने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, हमारी एग्जाम जो है वो हम क्लियर कर पाएंगे, तो परीक्षा से संबंधित है। तो देखिए लॉर्ड रीडिंग के समय काल की प्रमुख घटना क्या थी, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी आसानी से अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में कब हुई थी, तो परीक्षा देखिए क्लियर करने के लिए आपको रीडिंग करना पड़ती है, पढ़ाई करना पड़ती है, तो उस तरीके से आप बड़ी आसानी से आंसर तक पहुंच जाओगे। अगला देखिए लॉर्ड लॉरेंस के समय काल की बात करते हैं, तो देखिए लॉरेंस, इनके देखिए नाम में क्या छुपा है, रेंज, मतलब रेंज जैसा वर्ड छुपा हुआ है, तो लंबी रेंज पे इन्होंने काम किया था। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो शुरू की थी वो लॉर्ड लॉरेंस के समय काल में ही शुरू हुई थी। तो देखिए समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत करना मतलब एक लंबी रेंज पे काम करना। ठीक है, तीसरा देखिए लॉर्ड लेंस डाउन, लेंस डाउन, लेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब भी हमको क्लियर देखना होता है। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण जो था लेंस डाउन के समय काल में ही हुआ था। तो जब भी आप देखोगे डूरंड रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा, मतलब लेंस का यूज होना, लेंस की हेल्प से रेखा का निर्धारण बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए स्टोरी आपके दिमाग में चलेगी और आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो ये तीनों घटनाएं जो है ये हमको बहुत कंफ्यूज करेगी, पर हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में याद रखिएगा कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने क्या कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये किसने कहा था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है, चलिए जल्दी से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में हम टेस्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है 1857 के विद्रोह से। 1857 का विद्रोह जो हुआ था वो किसके समय काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय काल में हुआ था। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण घटना, पहली बार जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के समय काल में, फिर आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये किसके समय काल की घटना है, लॉर्ड लिटन की। उसके बाद देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी और नियमित जनगणना की शुरुआत हुई, किसके समय काल से, लॉर्ड रिपन के समय काल से। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय काल में। आगे चलकर देखिए बंगाल का विभाजन हुआ, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, ये किसके समय काल की घटना है, कर्जन के समय काल की घटना है। इसके बाद देखिए आगे घटना क्या हुई थी, बंगाल का विभाजन जो करा था उसे रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय काल में।
आगे चलकर देखिए, रोलेक्ट एक्ट आया भारत में और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये किसके समय काल की घटना है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय काल की। आगे चलकर देखिए, साइमन कमीशन भारत में आया था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, ये किस समय काल की घटना है? लॉर्ड इरविन के समय काल की। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ, ये समय काल चल रहा था लॉर्ड वेलिंगटन का। आगे चलकर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन और पहली बार भारत में आम चुनाव आयोजित हुए थे, ये समय काल किसका था? लॉर्ड लिनलिथगो का समय काल चल रहा था। इसके बाद भारत में अगली प्रमुख घटना क्या हुई थी? भारत को आज़ादी मिली थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये देखिए, हमने एक छोटा सा क्विक रिविजन करा है, आपको भी इसी तरीके से रिविजन करना है। स्टोरी वाइज देखिएगा, इंपॉर्टेंट घटनाओं के साथ आपको वायसराय के नाम को दिमाग में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको थ्योरी सेक्शन पूरा अच्छे से कवर करवा दिया है, जितना मैंने आपको बताया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा। देखिए, कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए, मेन उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी भूल जाए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जितना मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट की ओर चलते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। अगर आपने थ्योरी सेक्शन ध्यान से सुना होगा तो बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए टेस्ट की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में किस वायसराय के समय काल में हुई थी? किस वायसराय के समय काल में हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के समय काल में। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा हमने ट्रिक से याद करा था, परीक्षा क्लियर करना है तो आपको रीडिंग करना पड़ेगी अच्छे से, तो लॉर्ड रीडिंग सी आंसर यहाँ पर सही होगा। किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? किस वायसराय के समय काल की बात है ये? लॉर्ड कर्जन के समय काल की। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? कौन सी थी फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग के समय काल की 1857 का विद्रोह, बिल्कुल सही। बंगाल का विभाजन, ये बंगाल का विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के समय काल की घटना है। म्यांमार का भारत से अलग होना, ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 जो पारित हुआ था उसमें था ये, तो ये भी नहीं हो सकता। कांग्रेस की स्थापना, ये किसके समय काल की घटना है? लॉर्ड डफरिन के समय काल की घटना है। तो लॉर्ड कैनिंग के समय काल की घटना कौन सी थी? 1857 का विद्रोह। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैनिंग के समय उच्च न्यायालय की स्थापना किन शहरों में की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय काल में ही इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। रॉलेक्ट एक्ट पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, ये सारी घटनाएं जो थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही महात्मा गांधी पहली बार जेल गए थे, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, लॉर्ड मेयो ने अपने समय काल में मेयो कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी? कहां पर की थी? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किस वायसराय का था? किसका था ये? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा इसको। रॉलेक्ट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? किस वायसराय के? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय काल में लागू हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था वो लॉर्ड कैनिंग के समय काल में पारित हुआ था, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय काल में शुरू हुआ था? पहला विश्व युद्ध जो था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय काल में शुरू हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय काल में शुरू हुआ था। दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने आपको थ्योरी बताया अगर आपने उतना ध्यान से सुना होगा तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। लॉर्ड कर्जन के समय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है, देखिए कांग्रेस की स्थापना ये तो डफरिन के समय काल की है, वर्नाक्यूलर एक्ट ये कब की बात है? लॉर्ड मेयो के समय काल की, बंगाल का विभाजन बिल्कुल लॉर्ड कर्जन के समय काल की महत्वपूर्ण घटना है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन ने करी थी, ए आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हमने देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करा था, ड्यूरंड रेखा का निर्धारण, दो देशों के बीच में रेखा का निर्धारण करना, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो लेंस की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर देखिए मतलब लॉर्ड लेंस डाउन, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ठीक है, एक दो चीज़ें आप ट्रिक से याद रख लोगे तो ये वायसराय के नाम आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे हमेशा। ओके,
लॉर्ड डफरिन के समयकाल की महत्वपूर्ण घटना निम्न में से कौन सी है? लॉर्ड डफरिन के समयकाल की देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बी आंसर, 1885 में एओ ह्यूम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो किसके समयकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मेयो के समयकाल में। और इसको समाप्त किसने करा था? लॉर्ड रिपन ने। तो यहां पर समाप्त का पूछा, इसलिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, निम्न में से किस वायसराय की भारत में उसी के शासनकाल में हत्या की गई थी? किसकी हत्या की गई थी? लॉर्ड मेयो की। अंडमान में एक अफगान के द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में कर दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? देखिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्रता के बाद कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। अगर ऐसा पूछते कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वहां पर राजगोपालाचारी आंसर सही होता, पर यहाँ पर भारतीय नहीं पूछा है, इसीलिए यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन सही आंसर होगा। भारत में पहली बार जनगणना किसके समयकाल में हुई थी? पहली बार जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समयकाल में हुई थी। यहाँ पर भी देखिए, वर्ड का ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछते कि नियमित रूप से जनगणना किसके समयकाल में शुरू हुई थी, तो वो लॉर्ड रिपन के समयकाल में शुरू हुई थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन हमारे इसी कारण गलत होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर यहाँ पर पूछते कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ भी नहीं पूछा है, इसीलिए राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके समयकाल में शुरू हुई थी? तो नियमित रूप से किसके समयकाल में शुरू हुई थी? लॉर्ड रिपिन के समयकाल से। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समयकाल में पास किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समयकाल में पास किया गया था। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? किस वायसराय के समय में शुरू हुई थी? देखिए, समुद्री टेलीग्राफ सेवा मतलब लंबी रेंज की बात हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर रेंज मतलब देखिए लॉरेंस, तो यहाँ पर ए आंसर सही होगा। सर जॉन लॉरेंस उस समय वायसराय थे और उन्हीं के समयकाल में प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी भारत एवं यूरोप के बीच। नेक्स्ट देखिए, इतिहास में किस वायसराय को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है? किसे दी गई है? लॉर्ड रिपन को, ए आंसर। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लिटन ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने कौन सा एक्ट पारित किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सभी को पता ही है, सी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस वायसराय के समयकाल में पारित हुआ था? किस वायसराय के समयकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन के समयकाल में पारित हुआ था। गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के समयकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड इरविन के समयकाल में। लॉर्ड इरविन के समयकाल की मैंने आपको तीन प्रमुख घटनाएं बताई थी, एक साइमन कमीशन का भारत में आगमन, सेकंड बताया था मैंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होना, और तीसरा बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये तीनों घटनाएं जो थी ये लॉर्ड इरविन के समयकाल में हुई थी। किस वायसराय के समय चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड जैसी घटनाएं घटी थी? चोरा चोरी कांड और काकोरी कांड जैसी घटनाएं लॉर्ड रीडिंग के समयकाल में घटी थी। लॉर्ड रीडिंग के समयकाल की तीन घटनाएं, चोरा चोरी कांड, काकोरी कांड और रीडिंग करना मतलब परीक्षा संबंधित है, तो सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी भारत में सबसे पहले लॉर्ड रीडिंग के समयकाल से ही इलाहाबाद में। ओके, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? लॉर्ड हार्डिंग के समय में, गलत। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में, ये भी गलत। लॉर्ड इरविन के समय में, बिल्कुल सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त किया गया भारत का प्रथम वायसराय कौन था? पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बी आंसर। निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है भारत में। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो इसी टेस्ट में से देखने को मिल जाएगा, तो अच्छे से टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। टेस्ट लगाने के लिए जो लिंक है
वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, साथ ही फेसबुक पेज पे भी आपको उसकी टेस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो अच्छे से 2-3 बार टेस्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए और 1-2 बार थ्योरी को पढ़ लीजिए, आपका वायसराय से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बस दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।